तो इसे देखते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? तो आरएच जो होता है, आरएच का मतलब रेसोस होता है। ये भी क्वेश्चन है। आरएच स्टैंड फॉर रेसोस। रेसोस एक मंकी है, एक मंकी का प्रजाति है। वहां पे ही इस एंटीजेन का डिस्कवरी हुआ था और इस वजह से उस एंटीजेन का नाम दे दिया गया रेसुस एंटीजेन। ये रेसुस क्या है? एन एंटीजेन। रेसुस इज एन एंटीजेन, एक एंटीजेन है। और एंटीजेन कैसा हो, क्या होता है? तो एंटीजेन कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। अब ध्यान दिया जाए कि इस ब्लड ग्रुपिंग जो है, सिस्टम जो है, किस तरह से काम करता है। ये एंटीजन रेसुस एंटीजन जो है, कुछ इंडिविजुअल में उपस्थित हो सकता है, कुछ में अनुपस्थित हो सकता है। अब जिस इंडिविजुअल में यह एंटीजन मौजूद होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसमें एब्सेंट होगा वह निगेटिव कहलाएगा। यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप, ये तो देख लिए ए बी ए बी ओ कैसे हुआ था, किस आधार पे हुआ था, हम लोग क्लासिफाई किए थे ब्लड ग्रुप को। अब सपोज कीजिए कि ये ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए है। अब इस ए ब्लड ग्रुप वाला सेल, यानी कि यह आर बी सी है, ये आर बी सी का सेल जो है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद है एक एंटीजेन। कैसा एंटीजेन? तो सेल्फ एंटीजेन, हमने पिछले क्लास में बताया था। एंटीजेन दो तरह का, सेल्फ एंटीजेन और नॉन सेल्फ एंटीजेन। सेल्फ एंटीजेन जो अपना खुद का हो, घर का चोर, और जो बाहर का चोर वो फॉरेन, यानी कि नॉन सेल्फ। तो ये सेल है, इस सेल के अंदर में भी यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन पे मौजूद है, यानी कि आर बी सी के मेम्ब्रेन पे ये एंटीजेन मौजूद है। यह एंटीजेन कौन सा एंटीजेन है? तो यह एंटीजेन जो है आरएच एंटीजेन है। आरएच एंटीजेन है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ए ब्लड ग्रुप होने का मतलब कि इसके पास में एंटीजेन ए होगा और एंटीबॉडी बी मौजूद होगा। इसके साथ में एंटीजेन ए, एंटीबॉडी बी के अलावे आरएच एंटीजेन भी मौजूद है। और अगर आरएच एंटीजेन मौजूद है तो यह ब्लड ग्रुप जो होगा ए पॉजिटिव कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे? ए पॉजिटिव। कब? जब रेसुस यानी कि आरएच एंटीजेन मौजूद होगा तब उसे पॉजिटिव के रूप में हम लोग लेंगे, और जब ये एब्सेंट होगा तब इसे हम लोग निगेटिव के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप था, यहाँ पे आरएच एंटीजेन मौजूद था, इस वजह से यह ब्लड ग्रुप जो था हो गया क्या, ये ए पॉजिटिव हो गया। दूसरे केस में हम लोग लेते हैं दूसरा ब्लड सेल, ए भी ए ब्लड ग्रुप इसके पास, यानी कि एंटीजेन ए और एंटीबॉडी भी मौजूद है इसके पास में, लेकिन यहाँ पे आरएच एंटीजेन एब्सेंट है। आरएच एंटीजेन यहाँ पे एब्सेंट है। तो इस केस में इस ब्लड सेल को हम लोग ए निगेटिव कहेंगे। तब उस केस में इसे क्या कहेंगे? ए निगेटिव। उसी तरह से बी को भी हम कह सकते हैं। अगर बी ब्लड ग्रुप वाले के मेम्ब्रेन पे आरएच एंटीजन मौजूद होगा तो बी पॉजिटिव, अगर एब्सेंट होगा तो बी निगेटिव। ए बी के पास में सेम कंडीशन, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ओ के साथ में सेम कंडीशन, ए ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव। तो कहता है कि मुख्य रूप से मैक्सिमम लोगों में यह आरएच फैक्टर जो है, इसे आरएच को हम लोग आरएच फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन आर एब्सेंट प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरएच फैक्टर।
कह रहा है कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होगा वह आधारित होगा आरएच फैक्टर के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। तो यहाँ पे अगर आरएच फैक्टर मौजूद होगा, आरएच फैक्टर तो है क्या? आरएच फैक्टर जो है यह एक एंटीजन है, और यह एंटीजन अगर होगा तो वो पॉजिटिव और नहीं होगा तो निगेटिव, वो ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अब इसी पे ध्यान देंगे, कभी कभी आपको सुनने को मिलता होगा कोई कपल है, अगर मेल कपल के पास में जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और सपोज कीजिए कि ये जो फीमेल यानी कि फीमेल पार्टनर है उसके पास ए निगेटिव है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब कि यहाँ पे आरएच फैक्टर है और यहाँ पे आरएच फैक्टर एब्सेंट है, यानी कि जब इसका फर्स्ट बेबी जब फॉर्म होगा यानी कि पहला बच्चा जब जन्म लेगा वो तो सर्वाइव कर जाएगा, वो सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर सेकंड प्रेगनेंसी होगा, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी डेवलप करेगा वह सर्वाइव नहीं करेगा, होगा क्या वहाँ पे? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको हमारा वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी देखना होगा। इम्यूनोलॉजी में कहा जाता है कि दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो दो तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो लो स्ट्रेंथ का होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो लो स्ट्रेंथ का होगा, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो हाई स्ट्रेंथ का होगा। यानी कि जो पहले फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचानेगा और लो लेवल लो स्ट्रेंथ का एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, हो सकता है उससे पैथोजेन मरे और हो सकता है कि पैथोजेन नहीं भी मरे। लेकिन सेम पैथोजेन अगर दोबारा हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजेन को याद करके रखा है, जैसे ही वो इंटर आता है दोबारा आता है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई स्ट्रॉन्ग होता है और वो पैथोजेन को मार देता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे आरएच फैक्टर यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे आरएच फैक्टर नहीं है। जब यह आरएच फैक्टर इसके पास में जाएगा यानी कि यहाँ पे आरएच फैक्टर माइनस, तो ये बॉडी में मदर के बॉडी में जो जब जाएगा आरएच फैक्टर तो उस मदर बॉडी के लिए ये आरएच फैक्टर फॉरनर होगा, बाहरी होगा यानी कि नया होगा। जैसे ही इस मदर बॉडी का जो एंटीबॉडी होगा इस एंटीजन को देखते ही इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसे मार गिराएगा, और इस वजह से यह सेकेंडरी रिस्पॉन्स वाला जो सेकंड जो बेबी होगा वो सेकंड प्रेगनेंसी जो होगा वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका बच्चे का जन्म का, यानी कि अगर मेल पॉजिटिव हो और फीमेल निगेटिव हो तो उस कंडीशन में फर्स्ट बेबी सरवाइव करेगा, सेकंड बेबी सरवाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं सरवाइव करेगा? तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे आधारित होता है। तो ये था ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ पे हम लोग देख लिए दो तरह का ब्लड ग्रुपिंग होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप को ग्रुपिंग करने का दो सिस्टम होता है। पहला सिस्टम बेस्ड होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के पे, और दूसरा जो होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है ये आधारित होता है आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के पे। अगर एंटीबॉडी और एंटीजन मौजूद होगा तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, चार टाइप का ब्लड ग्रुप आएगा। अब इस चार टाइप के ब्लड ग्रुप में अगर आरएच एंटीजन मौजूद होगा तो पॉजिटिव होगा और नहीं होगा तो निगेटिव होगा। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुपिंग। थैंक यू।